प्रॉब्लम में जो रूट के अंदर x प्लस फोर आ रहा है इसको हम टी स्क्वायर पुट करते हैं। पुट टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस फोर। तो देखो ये इसको टी स्क्वायर लिखेंगे तो ये तो रूट के अंदर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अब। तो टू टी डी टी ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास टू टी डी टी इक्वल टू डी एक्स, यानी कि डी एक्स तो हो जाएगा हमारे पास अब कितना हो जाएगा, टू टी डी टी और एक्स प्लस फोर को हम लिखेंगे टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी, ये देखो ये टी हो गया, और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स देखोगे तो टी स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस फोर, एक्स की वैल्यू फोर को इधर ट्रांसफर करेंगे टी स्क्वायर माइनस फोर, ये टी मिलकर टी स्क्वायर, और इधर इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, टू और टी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा टी टू द पावर फोर माइनस फोर टी स्क्वायर, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी टू द पावर फोर का इंटीग्रेशन होगा टी टू द पावर फाइव अपॉन फाइव, और ये टू है उसको लिख दो, इसी तरह से टी टू द पावर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस फोर, और ये टू पहले से है यानी कि एट, तो ये कर लो एट, और टी क्यूब टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे हमें टी को दोबारा से एक्स प्लस फोर का रूट ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारे पास हो जाएगा आई इक्वल टू टू और अपॉन फाइव और टी की पावर फाइव, एक्चुअल में टी देखें तो टी हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस फोर रूट, टी है एक्स प्लस फोर रूट, तो ये एक्स प्लस फोर रूट की पावर फाइव यानी कि फाइव बाई टू पावर, तो ये हो जाएगी माइनस एट अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर टू द होल पावर थ्री बाई टू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो ये है इसका आंसर।